Good morning, plus one. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our next topic, division of element into S, P, D and F block and their electronic configuration. बेटे ये periodic table का एक journal उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? तो ये जो 1 और 2 वाले मैंने उस दिन बताए थे ये S block है, center वाले ये सारे D block के आते हैं और ये last में हो जाएगा हमारे पास P block, ठीक है? और लास्ट में हमारे पास आता है एफ ब्लॉक. तो ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो डिफरेंशिएट किया होता है. इसकी एस ब्लॉक की अलग प्रॉपर्टीज होंगी, अलग कॉन्फ़िगरेशन होंगी, एक अलग ब्लॉक है. डी ब्लॉक की अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की अलग कॉन्फ़िगरेशन हो गई और एफ ब्लॉक की अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी. तो आज हमने अलग अलग ब्लॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज और उनके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है. क्लियर? सो फर्स्ट इज S block element, element in which the last electron enter the S orbital of their respective outermost shell are called S block element. For example, बेटे जिनकी element की last configuration में last में valency 1 रह जाती है वो S block के element होते हैं, ठीक है? For example, मैं आपको बताती हूँ, जैसे hydrogen है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसके वैलेंस शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है. नेक्स्ट आएगा हमारे पास सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 2, 8 एंड 1 होता है, क्योंकि 11 होता है उसका, तो इसकी भी वैलेंसी क्या है? 1. तो ये सारे क्या है, एक ही ब्लॉक से बिलोंग करेंगे जिनकी वैलेंसी लास्ट में 1 आ रही है, ठीक है? जिनकी आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी 1 है वो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. क्लियर? एंड आफ्टर दैट आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट सिंस एस सब शेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल विच कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, दस एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 हाइड्रोजन एंड द अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड हीलियम कंप्राइज block element. Consider a, for example, elements of group 1, hydrogen has only 1 electron and this enter 1 s orbital. The rest of element like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium receive the last electron in 2s, 3s, 4s, 5s. बेटे ये हम नीचे जा रहे हैं तो उसकी shell जो है वो increase हो रही है, but number of electron in the outermost shell वो same ही है, ठीक है? तो यहाँ पर now we consider helium group 2. तो एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी और ग्रुप 2 की वैलेंसी होगी 2, ठीक है? जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम का कैसा हो जाएगा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4. तो फर्स्ट शेल में 2 आ जाएगा, लास्ट में भी 2 आ जाएगा. फिर आएगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 12. तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 8 एंड 2, ठीक है? तो ये जो ग्रुप 1 वाले हैं तो ये ग्रुप 1 हो गया, ठीक है? ये भी एस ब्लॉक में आता है और ये जो ग्रुप 2 हो गया ये भी एस ब्लॉक में आता है. तो एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है? एक तो जिनकी वैलेंसी 1 है और दूसरे जिनकी वैलेंसी 2 है. दैट्स इट. क्लियर? आफ्टर दैट दस द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम इन विच द एस ऑर्बिटल आर बींग प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. इन ऑल देयर आर 14 एस ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तो हमारे पास टोटल 14 एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाते हैं. जर्नल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज एन 1. ये माइनस नहीं है बेटे, 1 to 2 है, मतलब 1 से लेके 2 तक. तो वेयर एन 2 से लेके 7 तक भी वेरी कर सकता है. क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ है और ये इनकी एक प्रॉपर्टी है. एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं? They are soft metal with low melting and boiling point. ये हल्के और नरम metal होते हैं, इनका boiling और melting point भी बहुत low होता है. They have low ionization enthalpy. Obviously वो थोड़े soft हैं और melting और boiling point कम है उनका, तो ionization enthalpy मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना, वो भी उनकी enthalpy कम ही होती है. उनको थोड़ी सी भी heat देंगे तो वो अपने electrons को lose कर सकते हैं. And are highly electropositive. Obviously electropositive है, it means they are donators, they are kings of periodic table. तो वो अपने electrons को donate कर देते हैं. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होंगे ही क्योंकि उनकी आयनाइजेशन थैल्पी कम है, थोड़ी सी भी हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज दे लूज द वैलेंस
या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिडिडली टू फॉर्म 1+ इन केस ऑफ अल्कली मेटल एंड 2+ आयन इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बेटे ये देखो, जो जिनकी वैलेंसी 1 है वो तो होते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है, और जिनकी वैलेंसी 2 आएगी उनको हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब जिनकी वैलेंसी 1 है मतलब आउटर मोस्ट में 1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ना, तो ये जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हमेशा 1 पॉजिटिव बनाते हैं, और जिनके लास्ट में 2 है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर 2 पॉजिटिव बना लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेंगे उतने ही वो ऊपर अपने पॉजिटिव बनाते जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत जल्दी डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। द मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप बिकॉज हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। रिएक्टिविटी जो है बेटे वो एज अगर हम टॉप टू बॉटम तक जाते जाएंगे, मतलब ये एस ब्लॉक है ना, हाइड्रोजन सोडियम ये सारे, अगर हम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम रुबिडियम सीशियम फ्रोशियम नीचे आते जाएंगे साइज इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंसी तो सेम ही है, बट क्या होगा शेल बढ़ती जाएगी उनकी, एक एक शेल बढ़ती जा रही है बट इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, तो रिएक्टिविटी उनकी क्या होगी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज बेरिलियम आर प्रीडोमिनेटली आयनिक। बेरिलियम बेटे ये देखो जरा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आएगा 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 और 2, तो ये सिर्फ न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको रिमूव करना, इसको आयनाइजेशन थैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि ये न्यूक्लियस के थोड़ा ज़्यादा पास है तो इसकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तो बेरिलियम इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस बनता है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑफ दिस ब्लॉक इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये जल्दी से रिड्यूस कर देते हैं। ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास बेटे एस ब्लॉक के एलिमेंट के थे, ये हमने अपना टॉपिक आज एस ब्लॉक एलिमेंट पे किया है। जस्ट रीड आउट दिस चैप्टर, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे पूछो। आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल का एक एप्लीकेशन या फिर एक अच्छी सी जो पिक्चर है वो भी साथ में सेंड करूंगी जो मेरे पास है ऑलरेडी, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन और ये अच्छे से करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताऊंगी एंड आफ्टर दैट डी ब्लॉक, ताकि आपको धीरे धीरे तीनों ब्लॉक्स में डिफरेंसेस पता चले, क्लियर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और उनके जो उन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ है वो बताया था ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में। तो अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज एंड सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर, ओके। थैंक यू बेटा।